ये काठियावाड़ की प्रसिद्ध रियासत भावनगर है। इन सरकार के उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल हवाई जहाज से सौराष्ट्र के संयुक्त राज्य की स्थापना के अवसर पर यहाँ आ रहे हैं। अनगिनत नगरवासी सरदार पटेल की सवारी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल नावानगर के जाम साहब के साथ राजकीय गाड़ी में दरबार भवन जा रहे हैं। राज प्रमुख नावानगर के जाम साहब ने भरे दरबार में काठियावाड़ की 5 रियासतों के राजाओं से हिंद यूनियन के प्रति राजनिष्ठा की शपथ ली। सरदार पटेल ने इस अवसर पर भाषण देते हुए कहा कि मैंने बापू की दी हुई शिक्षा के अनुसार अर्थात प्रेम और आपस के मिलाप के आधार पर चलना सीखा है। मुझे नए सौराष्ट्र के नेताओं पर पूरा भरोसा है और मुझे विश्वास है कि वे इस कार्य को सफल बनाकर संसार के सामने एक आदर्श रखेंगे। 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा सौराष्ट्र संघ की स्थापना। सौराष्ट्र हैदराबाद ग्वालियर और ऐसे तो सैकड़ों रजवाड़ों के राजाओं और निजामों से बातचीत और समाधान किया। अंग्रेजों की कूटनीति समझकर अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और राजनैतिक कुशलता से सभी छोटे बड़े रजवाड़ों को राजी कर एकीकृत किया और निर्माण हुआ एक अखंड भारतीय गणतंत्र का, आधुनिक भारत के शिल्पकार सरदार पटेल द्वारा। भारत के लोह पुरुष के इस योगदान को आज दे रहा है समग्र देश एक श्रद्धांजलि। उनके आदर्शों की प्रतिकृति के रूप में होगा एक ऐतिहासिक निर्माण जो बनेगा भारत की नई पहचान, देश की एकता अखंडता का एक बेमिसाल उदाहरण। प्रस्तुत है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। विश्व के सामने एक संदेश कि यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। विश्व के इतिहास में कभी न बनी हो ऐसी प्रतिमा जो होगी केवल श्रद्धांजलि से कई ज्यादा और केवल आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग से भी कई गुना बढ़कर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो होगा सरदार सरोवर बांध से 1.5 गुना ऊंचा और इसकी ऊंचाई होगी 60 मंजिला इमारत के बराबर। देखने वालों को दंग कर देने वाली इस 182 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए सरदार सरोवर डैम से बेहतर स्थान और क्या हो सकता है। इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को स्थापित किया जाएगा सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर की गोद में साधु बेट पर। जैसे सरदार ने इस बिखरे हुए देश को एकजुट किया था, वैसे ही आज समग्र देश को फिर से एक होकर जुट जाना है इस विराट गौरव निर्माण में। देश के 120 करोड़ लोगों के योगदान से ही सच होगा भारत का यह महान स्वप्न। इस लोह पुरुष की प्रतिमा के लिए लोहा अर्पण करेंगे देश भर के किसान। हर एक गांव के किसान भेजेंगे अपने कोई न कोई कृषि औजार, उन्हें गलाकर उनका उपयोग किया जाएगा स्मारक के निर्माण में। और ऐसे देश के 7 लाख गांव के किसान सहभागी बनेंगे किसान पुत्र सरदार पटेल के सम्मान में। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरदार के प्रिय विषय जैसे कि कृषि, जल व्यवस्थापन, पर्यावरण, बायोटेक्नोलॉजी, आदिवासी विकास जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए संशोधन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हाईटेक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स आदि संस्थाओं के निर्माण से यह विस्तार ज्ञान क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विकास स्मारक के साथ साथ आकर्षक पर्यटक क्षेत्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। स्मारक के सामने 400 फीट की ऊंचाई पर होगी एक दृश्य दीर्घा जहां से दिखेगा सरदार सरोवर बांध और आसपास के नैसर्गिक दृश्यों का आकर्षक नजारा। इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विशेष आकर्षण होंगे मेमोरियल ऑफ विजिटर सेंटर, एग्जीबिशन गैलरी, श्रेष्ठ भारत भवन कन्वेंशन एवं ट्रेनिंग सेंटर, एम्फी थिएटर, अंडर वाटर मत्स्य ग्रुप और साउंड एंड लेसर शो जैसे टूरिज्म एवं मनोरंजन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम। समग्र तंत्र के द्वारा इस प्रोजेक्ट को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की रचना भी की गई है। इतने विशाल स्तर पर अमलीकृत होने वाले इस प्रोजेक्ट के अवलोकन के लिए
विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का निर्माण करने वाली कंपनी टर्नर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को इंटरनेशनल बिल्डिंग द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पर शामिल किया गया है। पूर्ण होने पर यह प्रोजेक्ट कई क्षेत्रों में दुनिया के सामने हमारे देश की छवि बदल देगा, जो बनेगा न तो सिर्फ एक पर्यटन स्थल बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत भी, न तो सिर्फ एक विशाल प्रतिमा बल्कि एक विशाल स्वप्न भी, एक ऐतिहासिक निर्माण भारत के बीते कल और आने वाले कल को जोड़ने के लिए। हमारे प्रिय सरदार को अर्पण 120 करोड़ देशवासियों की एक श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। एक भारत श्रेष्ठ भारत।